हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 लिपस्टिक हैक्स, जिसकी हेल्प से आप मैट लिपस्टिक बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। आपको किसी भी लिप बाम से अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लेना है। इसके बाद आपको कोई भी क्लीन ब्रश लेना है, टूथ ब्रश, और उसकी हेल्प से आपको अपने लिप को स्क्रब करना है। बहुत हार्शली नहीं करना है, क्योंकि लिप की स्किन बहुत पतली होती है, तो इसके लिए आपको स्मूदली स्क्रब कर लेना है। इसके बाद आपको इसे क्लीन कर लेना है। लिप के टाइनिंग को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एनवाइजे का लिक्विड कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ऐसा करने से आप कोई भी लिप कलर अप्लाई करोगे तो उसका कलर बहुत ही अच्छे से पॉप आउट होगा। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एनवाइजे का कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर का यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से कंसीलर अच्छे से सेट हो जाएगा। लिप को लाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एडियस का लिप लाइनर, जिसमें मेरा शेड है पिंक। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम वैसे ही आपको अपनी लिप को लाइन कर लेना है। आप चाहो तो इस लिप लाइनर से अपने लिप्स को फिल भी कर सकते हो। लिप को लाइन करने से ये फायदा होता है कि जब हम अपना लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होती है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती। तो इसलिए हमें लिप को लाइन करना चाहिए, ताकि उसे फॉलो करके हम अपने लिपस्टिक को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकें। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है L18 का कलर पॉप मैट लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है पिंक, ये एक बहुत ही अच्छा पिंक शेड है। तो आपको सेम वैसे ही जैसे आपने लिप लाइनर अप्लाई किया था वैसे ही अपने लिप लाइन को फॉलो करते हुए लिपस्टिक को अप्लाई कर लेना है। लेकिन आप देख सकते हो कि लिपस्टिक ट्रांसफर हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक टिश्यू पेपर लेना है और उस पर आपको कुछ इस तरीके से करना है, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा लिप कलर है वो इस पर ट्रांसफर हो जाए। अब आपको फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज करना है। तो मैंने सेम कॉम्पैक्ट पाउडर लिया। इसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और उसको अपने लिप्स के ऊपर रखना है, और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, और अब आप देखो कि आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मैट लिपस्टिक को अप्लाई करने का। तो रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली कोकोनट ऑयल लेना है और उसके बाद आपको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेना है और थोड़ी देर के लिए मसाज करना है, और ये इसके बाद एक स्वाइप में ही रिमूव हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है कोकोनट ऑयल मेकअप रिमूवर का। मैंने ऑलरेडी इस पे एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, लव यू।